हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही डेकोरेटिव वे में आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ। सो मेरे काम को ज़रूर पसंद कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। सो गाइज़, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था और वहाँ पर भी मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ें और प्रोवाइड कर रही हूँ। सो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें मैंने 1 to 7 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थे, एक मैंने 8 मई को आपके साथ शेयर की थी, वो पार्ट 1 था, और आज मैंने पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो आज जो सेकेंड पार्ट था 1 to 7 मई की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आप लोगों को बताई है। सो आप लोग वो वीडियो मेरी ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं कि उस न्यूज़ से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। सो मेरी उस वीडियो को भी विजिट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि ये वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो गाइज, एक लाइक तो बनता है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठे और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताए। सो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे थॉट इज, इफ यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एक्साइटिंग दैट यू आर रियली केयर अबाउट, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, द विजन पुल्स यू। इट मीन्स अगर आपको कोई काम कर रहे हो और वो काम आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेडली कर रहे हो, मीन्स आपको ऐसा काम जो करना बहुत अच्छा लगता हो, तो आपको उसके लिए किसी को भी पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको वो काम खुद ही बहुत अच्छा लगता है और आप वो काम करना खुद ही पसंद करते हो। सो ऐसा काम कीजिए जो आप लोगों को करना अच्छा लगता हो ताकि किसी को भी पुश करने की ज़रूरत ना पड़े, इवन आपको भी खुद को पुश करने की ज़रूरत ना पड़े। सो मैं थॉट इसलिए लाती हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को अपनी स्लाइड्स के थ्रू और ज़्यादा मोटिवेट भी कर सकूँ। सो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है मेरी स्लाइड का। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज, द हैप्पीनेस करिकुलम इन द गवर्नमेंट स्कूल रिसेंटली सीन इन न्यूज इन वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विस्टे। सो हैप्पीनेस करिकुलम जो है गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई किया गया था, सो वो न्यूज में था। सो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज तमिलनाडु, सेकेंड गुजरात, सी दिल्ली या फिर डी उत्तर प्रदेश। सो योर 10 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। सो आप देख सकते हैं कितने ही अच्छे प्रिपरेशन आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन प्रोवाइड की गई है। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट। सो द हैप्पीनेस करिकुलम इन वन ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर लॉन्च इन जुलाई 2018 इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में जुलाई 2018 में ऑल गवर्नमेंट स्कूल में ये करिकुलम जो है फ्लैगशिप स्कीम ये लॉन्च की थी। दो ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस करिकुलम इंक्लूड डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, इनकुलेटिंग स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरी, इनेबलिंग लर्नर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड हेल्पिंग लर्नर्स टू अप्लाई लाइफ स्किल्स टू डील विद स्ट्रेसफुल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराउंड देम। मीन्स ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई सेल्फ अवेयरनेस रहे, माइंड ठीक रहे, सारी स्किल्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड की जा सके बच्चों को, अच्छे लर्निंग मेथड प्रोवाइड किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। सो ये सब पॉइंट्स जो है वो इस फ्लैगशिप में प्रोवाइड की जाएगी। सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कैसे स्लाइड्स मूव हो रही हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम दैट इज SACEP। ये आज की स्लाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह भी आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं। सो आपको 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, सो यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, साउथ अफ्रीका कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम SACEP इज एन आर्म ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड इन्हांसमेंट ऑफ द एनवायरमेंट इन द रीजन। सेकेंड, SACEP सपोर्ट नेशनल गवर्नमेंट एफर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ SACEP। सो ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही हैं। सो ये UPSC में काफ़ी आने के आपके बहुत चांसेस हैं।
जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं हुआ या एक्स्ट्रा दे रखा है सो ये आंसर आपका गलत कर सकता है। सो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अगर आप पूरी तरीके से श्योर हो तो ही इस क्वेश्चन को कीजिए। सो देख लेते आंसर, आंसर सी यानी कि हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम SACEP इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1982 बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ एशिया। सो साउथ एशिया के थ्रू जो है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी 1982 में टू प्रमोट एंड सपोर्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ द एनवायरमेंट इन द रीजन। सो SACEP मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। सो ये वाला क्वेश्चन का जो पॉइंट है एक्सप्लेनेशन का ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेंबर कंट्रीज जो है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो जो ऑप्शन मैंने आपको थर्ड प्रोवाइड कर रखा था उसके अलावा और भी ये कंट्रीज आ सकती हैं या फिर उन कंट्रीज को छोड़ के बाकी की जो कंट्रीज बची है वो भी ऑप्शन में आ सकती है। सो ये कंट्रीज आपको याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम की कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर्स कंट्रीज हैं। सो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। और सिंस इट क्रिएशन SACEP हैज इम्प्लीमेंटेड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम इन द एरिया ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। मीन्स ये क्या क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह बता रहे थे। सो वही बता रहे थे जैसे एनवायरमेंट एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंट लेजिस्लेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी, एयर पोल्यूशन एंड द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कोस्टल एनवायरमेंट। सो मोटा मोटा यही है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड सब कुछ होगा उस चीज में। सो SACEP इज ऑल्सो सेक्रेटरेट फॉर द साउथ एशियन सीज प्रोग्राम। सो द मेल डिक्लेरेशन ऑन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट्स लाइकली ट्रांस बाउंड्री एफर्ट इफेक्ट्स फॉर साउथ एशिया इज अनदर सिग्निफिकेंट एफर्ट विच इनकरेज इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन टू कॉम्बेट द ट्रांस बाउंड्री एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम। सो वही एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को कंट्रोल करना और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर चीज प्रोवाइड करना, सो ये इनका मोटिव होता है। सो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी और साइड बाय साइड मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें भी बता दी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सो इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को एंड तक मिड तक पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ ताकि आप लोगों की मैं काफी हेल्प कर सकूं। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट ऑप्शन May 11, बी May 12, सी May 10 या फिर डी May 9। सो ये 10 सेकेंड स्टार्ट नाउ। ये आज की स्लाइड का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे कि मैं डेली के करंट अफेयर वगैरह आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। सो इसमें से दो ऑप्शन जो है वो आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। सो ये मैंने थोड़ा आपको हिंट दिया आप अभी की स्लाइड के लिए। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए यानी कि 11 मई। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन May 11। मैंने अपनी पहले की स्लाइड्स में भी आप लोगों को काफी डेज के बारे में बता रखा है और मैं आपको मई की एंड के बाद जून में आपको सारे जो इंपॉर्टेंट डेज हैं मई के, जैसे कि मैंने अप्रैल के प्रोवाइड किए थे आपको, मई का भी मैं आप लोगों को एक वीडियो में पूरा आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी कि मई में कौन कौन से डेज हम सेलिब्रेट करते हैं और उन डेज पे हम क्या क्या थीम रखते हैं, क्या क्या थीम होती है। सो वो भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 11 मई। इट इज ऑब्जर्व टू कॉमरेट इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो थीम क्या है, थीम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थीम क्या है दिस ईयर, फोकसिंग ऑन रोबोटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये इस साल की थीम है। सो थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डे ना पूछ के आप लोगों से थीम पूछी जाती है। सो थीम को जरूर पढ़ें। सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बैन पान मसाला कंटेनिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर 1 ईयर। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पान मसाला बैन किया है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो पाया जाता है और 1 साल के लिए बैन किया है। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, फर्स्ट महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी उड़ीसा या फिर डी झारखंड। सोचिए थोड़ा सा। तो देख लेते हैं आंसर इसका क्या है।
आंसर है डी झारखंड. सो द झारखंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन May 8, 2020 इशूड एन ऑर्डर बैनिंग द मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑन पान मसाला कंटेनिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सो झारखंड गवर्नमेंट ने ये बैन किया है. सो मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन. ये भी आज की स्लाइड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो सुंदरबन से रिलेटेड आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. सो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट लाइज ऑन द डेल्टा ऑफ द गैंजेस ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना रिवर ऑन द बे ऑफ बंगाल. सेकेंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस कंडक्टेड फॉर द ईयर 2019-20 द नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन द सुंदरबन्स हैज इंक्रीज्ड. थर्ड द इंटायर सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इज नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट ऑप्शन इज 1 एंड 2, बी 1 एंड 3, सी 2 एंड 3 या फिर डी 1, 2, 3. सो आपको एक हिंट दे देती हूँ. इसमें थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हो इंटायर लिखा है. सो मैंने अपने पहले की वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है जहाँ पे इंटायर ओनली ऑल दे रखा हो. सो उस वाली स्टेटमेंट में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के आंसर करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ज्यादातर वो स्टेटमेंट जो होती है वो इनकरेक्ट होती है. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए यानी कि हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. इसलिए मैंने बोला था थर्ड स्टेटमेंट में इंटायर आ गया. सो इंटायर सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालना बहुत ही ज्यादा अभी पॉसिबल नहीं है और ना हुआ भी नहीं है. सो इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. तो इसी ऐसे ही वर्ड से आप लोगों को आंसर जो है अपना सॉल्व करने में हेल्प मिलती है. सो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन द वेस्ट बंगाल सुंदरबन हैज राइजन टू 96 अप बाय 8 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसिस. द सुंदरबन इज अ मैंग्रोव एरिया इन द डेल्टा फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गैंजेस ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर इन द बे ऑफ बंगाल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है. 4 प्रोटेक्टेड एरियाज ना कि इंटायर है. सो 4 प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है. सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन वेस्ट, सुंदरबन साउथ एंड सुंदरबन ईस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए और बाकी की जो वीडियो मैं डाल रही हूँ पहले की वो भी जरूर देखें. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे.